नबी दी निगाह उठी माबा दे चेहरे ते पै गई। नबी करिया ने अपनी चादर दी पुकल खोली, फरमाया आ जा जो वेखना ही माया पई वखा देना। नाबा ने जेड़े वेले नबी पाक दे खंदियां दे दरमियान मोरे नबूवत वेखी, अपने होठ नबी दी मोरे नबूवत दे रखे, नाले चुमी जांदा है नाले रोई जांदा है। कहन लगा कमली वाले आओ रब नु मिलन तुरिया सौ, चौधरिया दा पुत्र सा गली गली रिल गया वा, मापे छड़े आया वा, सुनिया गुलामियां गैरां दियां करन मैनू किसे रब नाल नहीं मिलाया। मैं सुन के आया तू रब नाल मिलाना है, मेरे नबी ने फड़ के सीने नाल लगाया, ओदा हाथ अपने हाथा च लिया ते फड़ के हाथ रब दे हाथा विच फड़ा। अज मेरा दिल करदा मैं तुहानू ओ मिला सुनावा जिहड़ा मेरे नबी दी आमद दे तैयबा तो पहले अल्लाह ने जबूर ते तौरात ते इंजील च मुहम्मद दा मिलाद बयान फरमाया है। कुरान मजीद फरकान हमीद की आयत मुबारक भी मैं इसे ही ज़िमन दे अंदर पढ़ने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अल्लदीना यत्तबियून रसूल नबी अल उम्मी, फरमाया वो लोग जो इतबा करते हैं इस रसूल की, जो रसूल भी है नबी भी है उम्मी भी है। अल्लदी यजदूनहू मक्तूमन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, फरमाया ओ ही महबूब है जिदा तस्करा इस तो कबल तो सा तौरात च भी पढ़िया ते इंजील च भी पढ़िया। इहदा मतलब है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी आमद ते तैयबा सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं ते हो गई, मगर आमद तैयबा दीआं गल्लां अज़ल तो लैके ते अब तक हो रही। 124,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सफ़ा हस्ती ते तशरीफ लेके आए। हर नबी का मिलाद हर नबी का जिक्र मेरे नबी ने सुनाया। वारी आई आखिरी नबी दी तो खालिक ने फरमाया वखातमन नबीयीन, फरमाया महबूब असा तुहानू सारे नबियां दा खातम और खातिम बना के भेजिए। ख्याल आया कि या अल्लाह मैं सारे नबियां दे जिक्र ते मिलाद सुना चलिया ते मेरे बाद नबी कोई नहीं, मेरे मिलाद ते मेरे जिक्र कौन करेगा। अल्लाह ने फरमाया सोने तू फिक्र ना कर के तेरे बाद नबी कोई नहीं, मैं तेनों नौकरी इंज दे देने ने जे गली गली तेरे मिलाद ना करा देवां ते मैनू मुहम्मद दा रब कौन आखेगा। फरमाया सोने जग भी जिक्र तेरे करेगा ते रब भी जिक्र तेरे ही करेगा। दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उदो भी सी जदों हुजूर तशरीफ लेके नहीं आए, और आज भी एक जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुंबद खिजरा शरीफ च आराम फरमा रहे हैं, कयामत के दिन भी जदों रब काबा की कसम उठा के कहना जदों सारे नबियों भी अपनी अपनी पई होगी ना, उदो भी सारे अंबिया इकट्ठे होके तो जिक्र मुस्तफा दे करदे होणगे। सुनिए कुरान मजीद ते फिर मैं तुहानू जल्दी जल्दी उस मिलाद वल लैके चलना जिहड़ा मेरे नबी दी आमद तो पहले अंबिया ने ते कौमां ने मेरे नबी दा मिलाद मनाया, ताकि पता लगे कि मिलाद सिर्फ ए मुराद हाउस मुहम्मद बख्श तारड़ साहब ही नहीं मना रहे, मेरे नबी दी आमद तो पहले सारियां उम्मतां ने मुहम्मद दा मिलाद मनाया, सारे नबियों ने मेरे नबी का मिलाद मनाया। ग्रामी कदर हजरात सुनिए कुरान, अल्लाह ने कुरान मजीद इस रंग को बार बार बयान फरमाया। एक बार सुभान अल्लाह कहो तो मैं पढ़ा कुरान भाई, मैं जदों भी रसूल पुरतार आया हाफिजाबाद आया मैं सुभान अल्लाह वालों कदम मायूस नहीं गया। मैं हूँ तकरीर करके आ रहा डस के हूँ थोड़ी खिदमत रात मैं एक तकरीर की थी, पहले गखड़ फिर फैसलाबाद तीसरी आके शेखोपुरा, हूँ मैं डस्के तू थोड़ी खिदमत हाजिर होया। सुबह फिर बड़ा लंबा सफर है मेरा, मैनू इन्नी सुभान अल्लाह दियो मेरी पिछली थकावट उतर जावे ते चलिए रल के सैयद आमिना दे बूहे ते आप नूं मुबारक दे के आइए मिलाद शरीफ दी। अपना ते नादे दा हाथ चुको ते नहीं उची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आवाज जावे। देखो भला हाथ किन्ने ने खड़ा किया, नाल दा बेली फड़ के चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा उचा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उचा बोले रमजान शरीफ सारा टब्बर मदीने गुजार के आवे। हुण जेड़ा इस तो उचा बोले अज रात सौवे ते मिलाद वाला रसूल ही आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उचा बोले जागदे महफिल च कमली वाले दा दीदार नसीब फरमा। हुण कम इत्थे रख्या जे फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अज फरिश्ते झुक झुक के देखन के मुराद हाउस च मिलाद हो रहा है ते सुनी सुभान अल्लाह पे आखदे ने।
اللہ نے رضا فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل پروردگار نے دوسرے مقام پہ مضمون بیان فرمایا فرمایا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللہ نے فرمایا جدو میرا نبی نہیں آیا میرے بال بھائی توجہ رکھا جے اللہ فرماندا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا قبلی والے جدو نہیں نہ آئے تے یہودی پتہ کی کردے نے ہاتھ چوکے تے دعا کردے نے کہندے نے یا اللہ قوم امالکہ نال جنگ کرن چلے ہاں او جڑا نبی محمد آونا نا تینو او دا واسطہ سانو فتح دے دے تے اللہ فتح دے دیندا اے اللہ فرماندا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا اللہ فرماندا میرا یار نہیں آیا تے میرا یار دے وسیلے پا کے تے میرے کولو فتح منگدے رہے ہو اللہ فرماندا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی اللہ فرماتا ہن یہودیو میرے یار نو ویکھ کے کہندے ہو کہ اسی تینو جانتے ہی نہیں جاندا ہی نہیں تے کفر کر دیو میرے یار دا اللہ فرما فلعنت اللہ علی الکافرین او کافر تواڈے تے لعنت ہوے میرے یار دے وسیلے نہ دعاواں قبول کراندے رہے ہو ہن میرا یار آ گیا تے پہچاندے ہی نہیں پہچاندے ہی نہیں پتہ لگیا جدوں کملی والے نہیں سن آئے اے یہودی تے عیسائی او تو بھی محمد دے صدقے منگدے او تو بھی کملی والے دا وسیلہ مانگدے رہے میرے آقا دا وسیلہ تے دسیا کنے بھائی نبیاں نے اپنی امتاں نو دسیا نا کہ ایک نبی آنا ہے ایک نبی آنا ہے او دے صدقے دعاواں قبول ہونیاں ایک نبی آنا ہے جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے نبیاں دا بھی نبی ہے اجازت ہوے تے اعلی حضرت دا قلم پیش کراں بے مرشدہ چپ روے تے جدا مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے جڑا پلیا چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پال کے بھیجا او بولے سبحان اللہ اعلی حضرت نے دا ترجمہ جو فرمایا تے آپ ہی ارشاد فرما دینے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا انج نہیں بجڑا نبی دا صدقہ کھاندا اے اونچا بول کے کہے ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد من امن کلم اللہ ورفع بعدہم درجات سب سے اولا اعلی میرا دل کردا میں چپ کرا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز نال سارے پڑھیا اج سب سے ہمارا
नबी और सबसे बाला बाला हमारा नबी और कुल के कौन में अंबिया ए अंबिया ताजदार और ताजदार सबसे आला आला हमारा सबसे औला वाला अजय सारे नहीं बोले सबसे औला वाला हमारा नबी नबी बड़े पर सबसे औला वाला हमारा नबी सारे नबी मुस्तफा दा मिलाद मना के गए पावे मूसा होमन दलाइल अर्ज करा ते बड़े ने मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की अल्लाहुम्मा जअल मिन उम्मत मुहम्मद तवज्जो मेरे वल या अल्लाह मिन मुहम्मद उम्मती बना दे इतने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो मैनु सच्ची दसियो तुसा या मैं दुआ कीती सी कि या अल्लाह सानू मुहम्मद दा उम्मती बनावे नहीं ना असा दुआ भी नहीं कीती नबी दुआवां करदे रहे असी मिलाद ना फिर मनाई उस नबी दा नबी ते दुआवां करदे रहे कि मुहम्मद दा उम्मती बना दे ते असा ते दुआ भी नहीं कीती ते अल्लाह ने फिर भी सानू अपने यार दी गुलामी लई चुन लिया असी क्यों ना उस नबी दा मिलाद मनाइए कि हजरत मूसा कहन अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया और याद रखियो ईसाइयां दीयां चार इंजीलां ने किन्नियां चार अल्लाह ने एक नादल की थी इन्हें चार बना लिया पर उन चौवां विच जिहड़ी सब तो मोतबर तरीन इंजील है उहदा नाम है इंजील बरनबास इंजील बरनबास के अंदर एक वाक्य लिखे कि हजरत ईसा अलैहि सलाम अपने उम्मतियां नूं जदों आख्या ना मुबशिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद ते आपने फरमाया जिहड़ा मेरे बाद नबी आउणा उहदी बशारत देना आ कि उहदा नाम अहमद होवेगा प्यो अपना ही सोहणा लगदा है उस्ताद अपना ही सोहणा लगदा है मुर्शिद अपना ही सोहणा लगदा है ते नबी अपना ही सोहणा लगदा है हजरत ईसा ने जदों आख्या ना मेरे बाद जिहड़ा नबी उहनां दा नाम अहमद होवेगा शान तुहाडे तो भी ज्यादा है सोने ईसा अलैहि सलाम दा जवाब इन्नू कहंदे नी मुहम्मद दा मिलाद हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया ओ मेरे गुलामा तू मेरी ते मुहम्मद दी शान दा तकाबुल पिया करना है सुनो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया जे मरियम दे पुत्र ईसा नू आमिना दे पुत्र मुहम्मद दी जुत्ती दे तस्मे खोलन दी इजाजत मिल जाए ते मैं अपने मुकद्दरा ते नाज करिया करांगा ए इंजील दे अंदर लिखे कि ईसा अलैहि सलाम ने आख्या जिन मैनु मुहम्मद दे जोड़े पाक ते उना दी जुत्ती दे तस्मे खोलन दी इजाजत मिल जाए ते मैं अपने मुकद्दरा ते नाज करांगा पता चलिया कि आदम अलैहि सलाम भी जिक्र मुहम्मद दा करदे गए इब्राहिम भी रब्बना वबअस फीहिम रसूला कह के मेरे रसूल ते तेरे रसूल दा जिक्र करदे गए हजरत मूसा कलीम भी अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मते मुहम्मद कह के जिक्र मुहम्मद ते करदे गए हजरत ईसा भी वमुबशिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद कह के जिक्र मुहम्मद ते करदे गए अज आदम ता ईसा सारे नबिया ने मुहम्मद दा मिलाद मनाया ते अपनियां उम्मतां नूं दस्या कि नबी आउण वाला है एक नबी आउण वाला है एक नबी आउण वाला है आओ हुण मैं तुहानूं ओह किस्सा सुनावां जिस किस्से वास्ते मैं इह सारी बहस कीती उच्चा बोलो ते मैं ओह किस्सा शुरू करां ईरान मुल्क ते ईरान मुल्क दा इक सूबा जिहदा नाम है अस्फहान अस्फहान सूबे दे अंदर एक छोटी जी बस्ती है जिहदा नाम है उबई उस उबई वादी दे अंदर उत्थों दा इक नंबरदार ते चौधरी है जिहदा नाम है बूज़खशान अग दी पूजा करन वाला ते आतिशपरस्त उहने
अपने घर के अंदर एक छोटा जहा कमरा बनाया तो उस घर के कमरे के अंदर हग वे हर वे अग न जला के रख दे कि अग की पूजा करनी अग न बुझन नहीं देता ना वो बाप ने कदम बुझन दी ना वो दादे ना वो परदादे ने हर वे अग जला के रख दे सुबह शाम अग न सजदा कर दे तो रो रो के कहें मेरे महबूब मैंने दौलत बड़ी अता की कद मैं पुत्र भी दे ना मैंने एक वारिस अता कर दुनिया की दौलत बड़ी अता की एक पुत्र जैसी नेमत दे दे मियां मुहम्मद बख्श फरमाद ने सिख पुत्रां दी डाडी हुंदी आखन लोग सयाने ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने अल्लाह ने उन्हें पुत्र अता कर दिता ते उन्हें पुत्र दा नाम रखिया माबा तवज्जो है मैं तुहानू इश्क दी दास्तान वल लै चलिया बुज़ख शान ने अपने बच्चे दा नाम रखिया माबा किताबा च लिखिया कि अपने पुत्र नूं लाड़ लैंदे इकलौते बेटे नूं इंज पालदा जिवें लोग अपनियां बेटियां नूं पालदे ने क्योंकि इकलौता फिर चौधरियां दा पुत्र ते खूबसूरत भी बड़ा बाप अपने पुत्र नूं पालदा रहा जदों पुत्र टुरन फिरन दे काबिल होया ना ते बाप ने उंगली ना लगाया ते उस कमरे च लै गया जिस कमरे च अग बली ते आतश अग दे सामने बिठा के कहन लगा बेटा आ तेरा माबूद इहदी इबादत कर बच्चे ने पुछया कि बाबा इस अग नूं ते तुसीं आप सुबह शाम जलांदे हो ते जिहनूं तुसीं जलांदे हो उह माबूद किवें हो सकदा है उहने आख्या कि बेटा इह ही तेरा माबूद है तेरे बाप दादे दा माबूद है इहदी ही इबादत कर रही है बाप अपने पुत्र नूं जदों बिठा के अग दे सामने बाहर निकलिया ना ते उह माबा कहिंदा कि मैं अग दे सामने खलो के जदों इबादत करन लगा ते मैनूं महसूस होया कि मेरे अंदर ते कोई होर ही अग लगी है दूर तक लेके जाना बराबर के इश्क दसे एक बदेरा अग बले साढ़े कखते काने के इश्क साढ़े तन मेरा अग बले ते बुझावे पाने दसो इश्क दा दारू के एड़ा भुले जा कुछ नहीं सजदा जिथे इश्क ने ला लिया तेरा नौजवान पलदा 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 जदों लड़कपन वल ते जवानी वल टुरिया ना तवज्जो है एक दिन बुज़ख शान चौधरी किधरे दूर दराज काम ते चलिया दो तीन दिन दे वास्ते ते पुत्र नु कह गया गया बेटा मेरे बाप तो चौधरी है हुन जिवें मुहम्मद बख्श तारर साहब नु किधरे जाना पवे ते जांदे जांदे चौधरी मुराद साहब नु कहन के बेटा मेरे बाप तो चौधरी है इन सारे बेलियां कोल काम तू करवाने ने अपने माल डंगर दा ख्याल तू रखना है आसान करके अर्ज करा बुज़ख शान चलिया ते अपने बेटे मां-बा नु कह के गया कि बेटा मैं चलिया मैं तीन दिन दे बाद आवांगा ते डेरे ते सारे हारियां कोल काम तू करवाना है इतना कह के बाप ते चला गया मां ने पहले दिन तैयार करके जदों डेरे वल टोरिया ना ते मां-बा पहले दिन घरों निकलिया ते ताई भाई देखदा गया ते जदों घरों निकलिया ते अचानक उन्हों किधरों घंटियां दी आवाज आई घंटियां बज रही बच्चे नूं आवाज आई ते बच्चा घंटी दी आवाज वाली टुर पिया देखिया ते घंटियां दी आवाज ईसाइयां दे गिरजे चों आ रही सीढ़ियां ते बैठ के देखिया अंदर ईसाई अल्लाह की इबादत पे करते ने उन्हों ईसाइयां की इबादत का यह तरीका इतना लजीज ते मजेदार ते लुत्फ वाला लग्या कि उन्हें सारा दिन सीढ़ियां ते बह के गुजार दिता शाम वेले घर आया सारी रात सुता अगले दिन फिर डेरे ते चलिया घंटी की आवाज आई फिर ईसाइयां दे गिरजे च चला गया अज अंदर जाके ईसाइयां नाल अल्लाह की इबादत करता रहा लुत्फ आया रूह नूं सुकून मिलिया मुड़ वापस आया तीसरे दिन मां ने फिर तैयार करके डेरे ते भेजिया वो डेरे वल ना जाए घंटियां की आवाज वाले जावे जाके फिर ईसाइयां दे पादरी दे नाल अल्लाह की इबादत की वापस आ गया तीसरे दिन उहदा बाप जदों घर आया ना तो उन्हें अपने
अपने नौकरा नु बुला के पुछया कि मेरे पिछू अज पहली बार मेरे पुत्र ने काम करवाया ते कैसा। उन्हें आख्या जी तीन दिन तुहाडा पुत्र ते डेरे ते आया ही नहीं। मां नु पुछया ते मां कहन लगी मैं रोजाना तैयार करके भेजदी रही हां। बाप नु ख्याल आया कि पहली बार मैं घरों गया ते इन्हों पहली बार घरों निकालिया ते आवारा हो गया। बाप ने मुंह ते थप्पड़ मारिया ते पुछया तीन दिन किथे रहे हैं। झूठ बोलिया उन्हें कदे सीख्या नहीं सी पुत्र चौधरी आंदा सी। कह लगा बाबा आओ 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 जिथों घंटिया की आवाज आती है ना मैं तीन दिन उठे जाके उन्होंने महबूद की इबादत करता रहा। बूजख शान का दिल कंब गया कि मेरा पुत्र किधरे ईसाई ना हो जाए। पुत्र दस तू अपने महबूब की इबादत करनी है कि उन्होंने महबूब की इबादत करनी है। तो बूजख शान का पुत्र अगो माबा बोल के कहता अबू जी जे सची पुछो ना तो साढ़े रब नाल उन्हां दा रब भी चंगा जे तो साडी इबादत नाल उन्हां दी इबादत भी चंगी। इश्क लग गया इश्क लग गया ते खेड़ दे लग गया। ताइयो हजरत पीर हैदर शाह साज उतारे हैं कीर्तन ने फरमाया आ फरमा देने इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनो खेड़ा भूल दिया भूले भूल गई इधर भूले लवाली ओनू वेख दया वेख दया खुल गई कजल पाया सियार देखने डुल दिया डुले दिया डुल गई अली हैदर शाह कलीमा नहीं भुलदी कई सोनिया रुले दिया रुल गई अली हैदर शाह कलीमा नहीं भुलदी कई सोनिया रुल दिया रुल गई जवानों बच्चे बेड़िया पा के कमरे च बंद कर दिता गया। ताइयों बाबा बुल्ले शाह फरमा देने आप फरमा देने इश्क आप भी अवला दे कम भी अवले इश्क आप भी अवला दे कम भी अवले कुछ छड़दा नहीं आंदा जिदे बह जावे पले इश्क लग गया ते खेड़ दे लग गया पैगाम भेजा कि आ जिहड़े रब दी तू इबादत करना है उस रब ना मेरी एक मीटिंग ते करा मैं उस रब नु मनना चाहना पर मेरी पहले रब ना मीटिंग करा मैं रब नाल इक मुलाकात करा। हजरत जी उस पादरी ने पैगाम भेजा कि जेडे रब की मैं इबादत करना मैं उहदे नहीं मिला सकता उस रब का रुतबा बड़ा बुलंद है। हाँ जी उस रब नूं मिलना ही मुल्क शाम में साडा मरकज है तो उस मरकज जो जरा पादरी है वह बहुत बड़ा अल्लाह का प्यारा है वह तेनों रब नाल मिलावेगा तो जे हो सके तो मुल्क शाम पहुँच जा मेरा पादरी तेनों अल्लाह नाल मिलावेगा। पादरी ने आख्या के फलां दिन काफिला ईरान तो मुल्के शाम वाल जा रहा है जी हो सके ते काफिले दे नाल मिल जाई ते मैं तेनों मुल्के शाम भेज देवांगा वो पादरी तेनों अल्लाह नाल मिलावेगा। जिस दिन काफिले दे टुटन दा वेला आया ते मापा ने हाथ खड़ियां तोड़ियां वेलियां तोड़ियां ते काफिले दे नाल मिलिया मापे छड़े घर छोड़िया कोठी छोड़ी जायदाद छोड़ी चौधर छोड़ी सारा कुछ छोड़ के ना ते रब नूं मिलन मुल्के शाम वाल टुर पिया। वाह इश्का तेरे बल्ले बल्ले वाह इश्का तेरे बल्ले बल्ले हुण मेरा दिल करदा मैं इत्थे फिर हजरत पीरे बाहू दा कलाम पढ़ा
तुसी नहीं बोले नहीं तो पढ़ मैं देना से। पता नहीं लंगर मेरा ख्याल है शाह साहब ने तुम्हें पहले खवा छड़िया इस वास्ते तुहाडे कोल सही बोलिया नहीं जा रहा गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछो तेरे गले नो की होया ते आखे राती मुराद हाउस च नबी पाक दा मिलाद मनावन गया सा सारी रात ही सुभान अल्लाह कहंदा रहा हाथ चुके बोलो मैनू पता लगे नबी पाक दे जोंदे जाग दे नौकर च बैठा अरबां दे सुल्तान ने फरमाया इश्क माही दे खुद सावे ते ना सावन देवे हथी सुतियान जगा वे मैं कुर्बान इस इश्क थी बाहो जेड़ा बिछड़े यार मिला वे मैं कुर्बान इस इश्क दी बाहू बिछड़े यार मिला वे नौजवानों मापा ने घर बार छोड़िया ते टुरिया टुरिया मुल्क शाम आया आके उस पादरी नो पिछले पादरी दा सलाम कह के कहन लगा कि मैं जल्दी कल मैं रब नाल मिला दे मैं वापस जाना है उन्हें आख्या रब एडी जल्दी नहीं मिलदा मेरी चंद दिहाड़े खिदमत कर मैं तेनों रब नाल मिला देवांगा नाबा कहता मैं उदों रोजाना सुबह ते शाम उहदे कदम दबाने इबादत दे नाल रल के रब दी करनी ते मैं सोचना कि मैनूं रब नाल मिलावेगा पर आखिर मैं वेख्या इह ते बड़ा दुनियादार है क्योंकि ईसाइयों ने जिहड़े सदका खैरात देंदे ने ना उह माल ते दौलत इक मिट्टी दे मटके च जमा करी जांदा है ते उहनूं जमीन च दफन करी जाता है आखिर इस पादरी का आखिरी वेला आ गया ते मापा उहदे सराहने बह के रोन लग पिया ते कहन लगा मैं ते तेनों आया सा मिलन के तू मैनूं रब नाल मिलावेगा ते आप टुर चलिया है ते मैनूं रब नाल मिलाया ही नहीं उस पादरी का जदों रूह परवाज कर गई ना ते ईसाई रोन लगे ते मापा कहंदा ना रोवो ए बड़ा दुनियादार सी उन्हें पूछे किवें ते मापा कह लगा जेड़ा सोना चांदी इनू देंदे रहे हो ना ए सोना चांदी जमीन च दफन करदा रहा गरीबां नू नहीं देंदा रहा ओ जदों छे मटके सोने ते चांदी ते निकले ना ते ईसाइयां ने उस पादरी नू उठा के ना ते उहदी मैयत नू दरख्त नाल लटका दित्ता उहनू सूली चढ़ा दित्ता कि आइंदा कोई पादरी दुनियादारी ना करे मापा कहंदा जेड़ा नवां पादरी आया ना ओ बड़ा अल्लाह वाला सी मापा उहदे नाल रल के इबादत करदा रहा ते मापा कहंदा मैनू उहदे नाल प्यार हो गया ते उहनू मेरे नाल प्यार हो गया मापा कहंदा कि उहदी खिदमत मैं करदा रहा ते आखिर उस पादरी दा भी आखिरी वेला आ गया मापा उहदे सराहने बह के रोई जावे ते आखिर तू भी टुर चलिया ते रब नाल ते मिलाया ही नहीं ते मैनू रब नाल कौन मिलावेगा उस पादरी ने रोन लग्या ना जान लग्या आखिरी वेले बच्चे दा मत्था चुमया ते मापा नूं कहण लगा जे रब नूं मिलना ही ना ते मुल्के शाम छोड़ दे इत्थे कोई रब नूं मिलाण वाला नहीं इंज कर अमूरिया शहर चला जा उत्थों दा पादरी बड़ा अल्लाह वाला है उह तेनूं रब नाल मिलावेगा मापा कहंदा इह पादरी मर गया ते मैं टुरिया टुरिया अमूरिया शहर आ गया उत्थे दे पादरी नूं मिलिया उहने वाकई मैनूं बड़ी अल्लाह दी इबादत करवाई पर रब नाल ना मिलाया उहदा भी आखिरी वेला आया मापा उहदे सराहने बैठ के भी रोई जावे ते कहण लगा तू भी टुर चलिया ते रब ना मैनूं तू भी नहीं मिलाया ते मैनूं रब ना कौन मिलावेगा उह कहण लगा कि जे रब नूं मिलना ही ते अमूरिया शहर छोड़ फलां शहर चला जा ओ पादरी मिलावेगा ओनू मिलिया ते ओ भी आखे उस पादरी कोल टुर जा इंजी मापा फिरदा फिरदा कदे किसे पादरी कोल कदे किसे पादरी कोल आखिर कहंदा कि मैं उस शहर च पहुंच गया कि उस पादरी दा भी आखिरी वेला सी मापा उहदे सराहने बह के रो के कहण लगा तू भी टुर चले आई ते मैनूं रब नाल नहीं मिलाया ते मैं ते घर छोड़ आया मापे छोड़ आया देश उपर देश ही हो गया चौधरियां दा पुत्तर ते गलियां च रब नाल ते तू मिलाया नहीं पादरी कहण लगा जे सची पुछना है इस वेले धरती ते कोई इंसान नहीं जेड़ा बंदियां नूं अल्लाह नाल मिलावे उन्हें आख्या फिर मैं रब नूं किवें मिलांगा कहण लगा इस वेले ते कोई नहीं पर साडी इंजील च लिखिया है इक आन वाला है जिन्हें दुनिया नूं रब नाल मिला देना है मां पाया
ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਮਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਦੀਆ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫੂਫਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨਾ ਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਏ ਨਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿਆ ਚਾਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਏ ਇਸ ਸਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਪਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਰੇ ਆ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਪਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਪਾ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਦੀ ਉਲ ਕੁਰਾ ਉਹ ਵਾਦੀ ਉਲ ਕੁਰਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫਿਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਦੀ ਉਲ ਕੁਰਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਮਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੱਕਾ ਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਤਾਇਫ ਤੋਂ ਜੱਦਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੂੜ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਝਾੜ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਸੁਲੱਲਾ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇ ਝਾੜਨਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾ ਝਾੜਿਆ ਕਰੋ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ
ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया आख्या मदीने दी धूड़ च भी शिफाए दूर खजूरां दे दरख्त नजरी आए ना ते मापा लोगां नूं पुछे ओ दरख्त किहड़े ने उहनां आख्या आई ते खजूरां ने उन्हें आख्या अच्छा मदीना आ गया उन्हें आख्या जी आ गया हुन मापा जदों मदीने दी गलियां च पहुंचिया ना ते खजूरां वल नहीं वेखदा हुन हजरत जी इंज करके ना दाएं बाएं देखदा ओ किथे वे ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा ओ किथे वे जिहदे लई मैं आया हुन नौजवानों कमली वाले नजरी नहीं आ रहे क्यों क्योंकि इश्क मदीने पहुंच गया हुसैन अजे मदीने नहीं आया कमली वाले अजे मक्के पे वसदे ने इश्क यार दियां गलियां दा तवाफ करन पहुंच भी गया हुन खजूरां वल वेखदा दरख्तां वल वेखदा नाले लोगां वल वेखदा ओ किथे वे ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा ओ किथे वे हुन मेरा दिल करदा मैं तुहानूं इहदा तर्जमा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठण दे ताजदार दी जुबान च करा के देवां सुन्नी मां दा पुत्तर बोले सुभान अल्लाह भाई हाथ नाल देदा विचों को मैनूं पता लगे जोंदे जागदे नबी पाक दे नौकरे च बैठा अजे ते गल शुरू होई है अजे ते मैं तुहानूं मिला सुनावण लगा मालिक नूं पुछदा मेरी ड्यूटी की मालिक ने आख्या खजूरां पक गईयां ने ते खजूर दे दरख्त ते जाके ना ते खजूरां उतारनियां पक्कियां पक्कियां मां बाप पहले दिन जदों खजूरां दे बाग विच गया ते खजूर दे दरख्त ते चढ़िया ना ते ओ ऊपर वाली जाके टहनी ते बैठ के कहंदा तेरा शुक्र है ड्यूटी भी खजूरां दे बाग विच लाई आ हुण की करदा नाले खजूरां तोड़दा है ते ओ ऊपर वाली टहनी ते बैठ के ना ते सारे मदीने वल वेखदा है ओ किथे वे जिहदे लई मैं आया ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा है खजूर दे आखरी जाके ते टहनी ते बैठ जांदा है ते उड़ीकदा रस्ता सिक तां सदर उड़ीक इंतजार रब्बे काबा दी कसम उठा के मिंबरे रसूल ते कहना ओ जिन्हां नूं किसे माही दी सिक तांग उड़ीक ते सदर ते इंतजार होवे ना दरवाजा हवा नाल बिखड़ के ते उन्हां नूं इंज लगदा जिवें यार ही आया ऊपर वाली छत ते चढ़ जांदा ते टहनी ते बैठ जांदा मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रस्ता उड़ीकां रस्ता उड़ीकां मैं दिल भर अपने दा गाली पावे ते मैं रोवां दर वड़ के जिस वेले
सवेले दिल खाली पावे ते मैं रोवां दर बड़न के पिया सा फरमाते ने तू बहुत जुदाई गुजेरी यार नहीं मुख विखाया ए मौला मेरा यार मिलन दा अज वेला क्यों नहीं आया ए मौला मेरा यार मिलन दाओ अज वेला क्यों नहीं आया इतनी बड़ी महफल का इंतजाम है ते तुसी रात 2:30 बजे तक बैठे हो ए उड़ीक नहीं माही दी इंतजार ही है ना सानू भी उस महबूब का असी भी उसे दी सिक्के चो बैठे हैं ना असी भी उसके सांग विच बैठे हैं ना जेड़ी तांग मापा ओ खजूर दी टहनी ते रख के बैठा है ते कहंदा हो रे आज ही दीद हो जाए हो रे आज ही माही आ जाए ओदी भी यही तमन्ना ते साडी भी यही तमन्ना है इजाजत होवे ते ओ जेड़ी सिक लै के ओ बैठा ते मैं ते तुसी बैठे ओ ता रंग ना पेश करा केड़ा नबी दीयां यादां दे दीवे बाल के बैठा है आओ ए इंज करके हाथ खड़े कर लो अखियां बंद कर लो गुंबद-ए-खिदरा दा तसव्वुर कर लो आओ असी भी इंज आवाज मारीए कि अज या कमली वाला आ जाए ते या सानू बुला ले या सानू बुला ले या आप आ जाए तो मिल के सारे पड़िए याद तेरी ताम दीवा बालिया याद तेरी ताम दीवा याद तेरी दम दीवा बालिया आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया उन आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया ए ज़ुल्फ़ा वालिया उन आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया चिरलावी जान तेरे दुबारी तू जान ईमान दिले दा तुझ बिन मैं किस कारी आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वालिया ए ज़ुल्फ़ा वालिया आवी जा पल्ले अधी रात रात टल गई उन्हें आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ सह सवार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सह सवारी हुन ते आ जा कमली वालिया तू जिते आते मैं हारी आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ ए ज़ुल्फ़ा वालिया हुन आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ तू जब
सारा ना वेला बीत जा रहा सारा दिन खजूर जमा कर दाले यार दिया उड़ीका कर दा नाले आवाजा मार दे कहंदा कमली वाले आ जाओ रब नाल मिलाओ ना वाले जल्दी आ जाओ नौ जवानों वेला गुजरता जा रहा इधर इश्क मुकम्मल हो गया उधर कमली वाले मक्का छड़ के मदीने वाले तुर पे एक दिन मां बाप या खजूर उतार दे ओदा मालिक नीचे खलो के खजूर पिया कट्ठिया कर दाए ओदे मालिक दे चाचा बाग विच आया कह लगा अज अजीब मंदर हो गया ओ मक्के दुख परदेसी आए ने मुकामे खुबा ते बैठे ने सारे मदीने वाले जाके दे कदम पे चमदे ने ओ जेड़ा मक्के तो मदीने आया है ओ कहंदा मैं रब नाल मिलान आया मालक ने मुंह ते थप्पड़ मारिया ते आख्या तू मालक दी गल च बोलना चल तू गुलाम खजूर उतार मां खजूर दे उपर चढ़ के ना उधर वेखदा जिधर उहदे चाचे दे मालक दे चाचे दे बेटे ने इशारा कीता सी मुकामे को बाबल कि इधर इधर वो आया जिहड़ा रब नाल मिलांदा है मां उधर वेखदा है गुजरात जाओ ना गुजरात ते उत्थे एक बड़ा मारूफ दरबार है हजरत बाबा कामा वाली सरकार हजरत बाबा कलम इलाही अल मारूफ बाबा कामा वाली सरकार ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਕੱਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਮਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੱਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਪਾਲਦਾ ਏ ਕੋਈ ਮੋਰ ਪਾਲਦਾ ਏ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਪਾਲਦਾ ਏ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਵਾ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया कि मैं सुनया कवे की उम्र बड़ी लंबी होती है उलमा फरमाते ने कि कवे की उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होती है बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं हर वेले कवे नाल प्यार करना कि मेरे कब बनेरे ते हर वेले कां ही बैठे रहन इन्हां कामा वाल वेख के खोरे किसी दिन मेरे बनेरे वह भी कां आके बह जाए जिन्हें कमली वाले की ज़ियारत की हो गई वाह उड़ीकां वाले तुहाडे रंग ही वखरे पता चलिया उड़ीक सची हो माही आ ही जाते आ ही जाते शाम उतरिया ना जो खजूर तो मुकामे कुबाब अल टुरन लगा तो कहन लगा निशानियां भी तो पूरियां करनियां सुनिया है खजूरां वाला शहर है तो दूसरी निशानी पादरी ने यह दसी सी कि हदिया खा लैंदा है सदका नहीं खांदा क्योंकि सारा जग ओदा ही सदका खांदा है ਮਾਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੁਰਖ ਖਜੂਰਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਮੁਕਾਮੇ ਕੁਬਾ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ एक सहाबी दे कंधे ते रख के कहंदा ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा है सहाबी ने आख्या चुप इस बारगाह च उच्चा नहीं बोलीदा उंज मैं तैनूं दसना ओह केड़ा ए ए इंज करके ना हजूर वाल इशारा कीता फिर जेड़े इशारे वाल जाके ते निगाहां रुकियां इजाजत दिओ ते मैं रंग पेश करां तुसीं नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना सी गोडे छड़ दो नहीं किधरे दौड़ दे हाथ चुको तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मां बाप कहंदा जेड़े तेरे ते जा के मेरी निगाहां रुक गईयां ए वेख के कहंदा होवेगा नूरी मुखड़ा नाल ज़ुल्फां कालियां भाई नूरी मुखड़ा नाल ज़ुल्फां इंज नहीं हाथ चुके मेरे नाल मिलके सारे पढ़ो अल्लाह उस मुखड़े की दियारत उन्हें जुल्फा की दीद नसीब करे मिलके सारे पढ़िए नूरी मुखड़ा नाल जुल्फा कालिया नूरी मुखड़ा नाल जुल्फा कालिया नूरी मुखड़ा
ਜੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਈ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਜਿਨੂੰ ਜਿਨੂੰ ਰੱਬੀ ਅਲਬਾ ਦੇ ਚੰਨ ਚੜਨ ਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭਈ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਮਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਦਮੇ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਇਓ ਸੁਣਿਆ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਇਓ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਖਾ ਲਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ ਸਹਾਬਾ ਖਜੂਰਾਂ ਪੇ ਵੰਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁਆਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਇਹ ਖਜੂਰ ਸਦਕੇ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਬਈ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮਾਬਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਧਰੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਮੁਕਾਮੇ ਕੁਬਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਜੂਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਖ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਅਜੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਹਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਿਨ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹਿਨ ਵੀ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿਨ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਹਦੀਆ ਹੈ ਤੋਹਫਾ ਪਹਿਲੀ ਖਜੂਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪ ਖਾਧੀ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਹਦੀਆ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਾਬਾ ਖਜੂਰਾਂ ਪਿਆ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਇਹ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਮਾਬਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਹਾਬਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦਾ ਤਹਿਮਤ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਮਾਬਾ ਕਦੇ ਦਾਏ ਕਦੇ ਬਾਏ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਕਦੇ ਦਾਏ ਬੈਠਦਾ ਕਦੇ ਬਾਏ ਬੈਠਦਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ
नबी दे दाएं खदे बाएं खदे अगे अगे पीछे बैठ दाए मेरे नबी दी निगाह उठी मापा दे चेहरे ते पै गई नबी करिया ने अपनी चादर दी बुकल खोली फरमाया आ जा जो वेखना ही माया पई वखा देना नापा ने जेड़े वेले नबी पाक दे कंधियां दे दरमियान मोरे नबूवत वेखी अपने होंठ नबी दी मोरे नबूवत दे रखे नाले चुमी जांदा है नाले रोई जांदा है कहन लगा कमली वाली आओ रब नूं मिलन तुरिया सां चौधरियां दा पुत्तर सां गली गली रल गया वां मापे छड़ आया वां सुने गुलामियां गैरां दियां करन मैनू किसे रब नाल नहीं मिलाया मैं सुन के आया तू रब नाल मिलाना है मेरे नबी ने फड़ के सीने नाल लगाया ओदा हाथ अपने हाथा च लिया ते फड़ के हाथ रब दे हाथा विच फड़ा दिता नौजवानों माबा जेड़ा फारस च टुरिया ईरान च टुरिया शाम गया मदीने तक आया माबा सी पर जो मुहम्मद के दामन च आया ना तो मेरे नबी ने नाम रखिया हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम सहाबी रसूल हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जड़े गली गली रोल रोल के मुस्तफा तक पहुंचे ते आके फिर दसिया सोणिया मैं वेख के आया ईसाइयां दी बस्ती बस्ती फिरी है ते मैं वेख के आया कमली वाले ज़बूर च भी जिक्र तेरे ने तौरात च भी जिक्र तेरे ने ते इंजील च भी जिक्र तेरे ने अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद हर जगह मनाया फरमाया अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील अल्लाह फरमाया बारह रबी उलवलों ओ ही महबूब आया है जिदा जिक्र तौरात च भी मौजूद है इंजील च भी मौजूद है नौजवानों मापा फिर हजरत सलमान फारसी बने ओ सलमान फारसी जिदे मारे मेरे नबी ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत फरमाया सलमान मेरी अहले बैत चो है ये ओ सलमान है नौजवानों जद गवर्नर है गवर्नर बन के गए मदाइन दे हजरत उमर फारूक दे दौरे च ते आप नु एक मेहमान मिलन आया ते मेहमान ने घर पूछा कि गवर्नर साहब किथे ने ते घर वाले आख्या ओ ते बकरियां चारण गए तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह एक आज दे गवर्नर ने एक ओ सन जिन्हां नु मुहम्मद ने गवर्नर बनाया सी हैं जिन्हां नु मेरे नबी तरबियत की थी वो बकरियां चारण गए मेहमान पुछदा पुछांदा जंगल च आया ते वेख्या हजरत सलमान फारसी बकरियां पे चार दे रहे आपने उन्हें सीने लगा के मिल मिला के ते आपने फरमाया भूख लगी मेहमान कहन लगा जी लगी आपने ए इंज आसमान वल वेख्या ते परिंदे उड़दे जा रहे एक परिंदे नु इशारा करके फरमांदे ने इधर आ मैनू कम है परिंदा आके तली ते बैठ गया कोलो हिरना दा टोला पै जावे कि हिरनी नु फरमांदे ने इधर आ मैनू कम है हिरनी भी आ गई परौना पुछदा हजूर परिंदे ते हिरनी नु क्यों बुलाया जे फरमा तेनू भूख लगी ना इन्हां नु ज़बह करके तेरे वास्ते सालन ते कबाब बनावांगे उन्हें आख्या बड़ा हैरान होकर कहन लगा लजपाला ये जंगल के जानवर तेरे आखे कदों दे लगदे ने हाथ जोड़ के फरमा लगे ओ बेलिया जदों दा मैं कमली वाले दे आखे लग गया सारे ही मेरे आखे लग गए जदों दा मैं सोने दे आखे लग गया सारे ही मेरे आखे लगदे ने ये ओ सन जिन्हां ने मुस्तफा दी आमद तैयबा तो पहले मेरे नबी दा मिलाद सुनया मेरे नबी दा नामे पाक सुनया ते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिलन वास्ते कायनात दीआं सारीआं साजिशां छोड़ के शहनशाहियां छोड़ के आके मुस्तफा दे मदीने डेरे ला ले।